हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। चलो बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस करते हैं आज वाला। देखो टेस्ट जो है रोज की तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाउनलोड लिंक गिवन है, उस लिंक को फॉलो करके आप टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। जिन्होंने टेस्ट ना किया हो पहले उस टेस्ट को कर लेना और उसके बाद हम इस टेस्ट के डिस्कशन को देख सकते हैं। ठीक है, देखो टेस्ट एनालिसिस करते हुए हमें वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें लगभग हर क्वेश्चन को उठाना है, चाहे हमने अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। और कोशिश बल्कि ये किया करो कि अगर क्लास में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो तो टेस्ट एनालिसिस को देखने से पहले, इस एनालिसिस के वीडियो को सुनने से पहले, अपना पहले ज़रूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, आज जो है हम 15 के बाद पहले 14 क्वेश्चन जो दोनों पैसेजेस के हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा हम आज सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले देखते हैं 15 से 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहे ही नीच ऑफ द फॉलोइंग। देखो टेस्ट बहुत इजी था। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट गेटिंग दैट मच गुड मार्क्स। टेस्ट में नहीं था दम। मैं पैसेज की बात नहीं कर रहा, पैसेज को अगर आप छोड़ भी दो तो बाकी के जो 21 क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं था। 21 क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल चलते तो 15+ क्वेश्चंस बहुत इजीली करेक्ट किए जा सकते थे, 15+ स्कोर किया जा सकता था। पता नहीं, लेकिन आपका स्कोर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइव स्टेटमेंट्स कन्वेइंग द सेम आइडिया आर गिवन। सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेस द आइडिया इन द मोस्ट कंसाइज मैनर। पहली चीज तो वो सेलेक्ट, सेम सेंटेंसेज हैं सारे, सेम मीनिंग दे रहे हैं, हमें वो सिलेक्ट करना है जिसका जो कंसाइज मैनर में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से शॉर्ट फॉर्म में। एंड मार्क इट्स नंबर एज योर आंसर। प्लीज नोट दैट ऑल ऑफ देम मे बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीन द सेम, बट यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट कंसाइज वे। हो सकता है ग्रामेटिकली करेक्ट हो लेकिन आपको वो देखना है, और ये भी हो सकता है कि ना हो क्योंकि उसने लिखा है दे मे बी, शायद की बात कह रहा है। ठीक है ना, चलो 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन कह रहा है पैक्ट्स एंड अलायंसेस। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ रहे हैं, पैक्ट्स एंड अलायंसेस हैव नॉट प्रूव, हैव नॉट प्रूव या हैव नॉट प्रूव्ड। हैव नॉट प्रूव्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आगे पढ़ूंगा ही नहीं मैं तो, हम तो तभी पढ़ेंगे जब ऑप्शन हमें ठीक दिखेगा। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, पैक्ट्स एंड अलायंसेस शुड नॉट प्रूव। ठीक है, शुड के साथ प्रूव आना चाहिए। पैक्ट्स एंड अलायंसेस शुड नॉट प्रूव टू बी इनसरमाउंटेबल। देखो इनसरमाउंटेबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, जिसको खत्म ना किया जा सके। तो कह रहा है पैक्ट्स एंड अलायंसेज हो जाते हैं एग्रीमेंट्स, शुड नॉट प्रूव टू बी इनसरमाउंटेबल बैरियर्स इन द वे ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस के रास्ते में इनसरमाउंटेबल बैरियर्स नहीं होने चाहिए। शायद ये ऑप्शन ठीक लग रहा है लेकिन बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। द बैरियर्स विच आर इनसरमाउंटेबल, द बैरियर्स विच आर इनसरमाउंटेबल इन द वे विद जस्टिस। पहली चीज, इन द वे विद जस्टिस नहीं, इन द वे ऑफ जस्टिस होना चाहिए। ऑप्शन गोन, मैं नहीं पढ़ूंगा आगे। अगला देखते हैं, जस्टिस कांट बींग, कांट के साथ बींग, कैन नॉट के साथ बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना कि ING, खत्म गया। अगला बढ़ते हैं, पैक्ट्स एंड अलायंसेज शुड नॉट प्रूव टू बी। देखो सेकेंड ऑप्शन बचा हुआ है, अभी एक फिफ्थ पढ़ रहे हैं अब हम। पैक्ट्स एंड अलायंसेज शुड नॉट प्रूव टू बी इनसरमाउंटेबल ऑन द वे टू जस्टिस। ऑन द वे टू जस्टिस नहीं, ऑन द वे ऑफ जस्टिस। ठीक है, ऑन द वे टू यूज होता है, ऑन द वे टू दिल्ली, ऑन द वे, लेकिन ऑन द वे टू जस्टिस नहीं। शुड नॉट प्रूव टू बी इनसरमाउंटेबल ऑन द वे टू इनजस्ट जस्टिस आर नॉट ओनली पैक्ट्स बट ऑल्सो अलायंसेज। आगे वाला भी सेंस जो है ना वो सही नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो हमारा जो आंसर बना दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में भी वही देखना है। तो सेकेंड आंसर हमारा बन गया 15th का। अनलेस द गवर्नमेंट टुक एन इमीडिएट एक्शन ऑन बैगर्स। इमीडिएट एक्शन, कॉमा की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो एक बार हम यूं ही मान के चलते हैं कि इसकी तो वो नहीं होता। एक्शन ऑन बैगर्स द सोसाइटी माइट बी पुट टू डिफिकल्टीज। कह रहा है जब तक गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन नहीं लेती, और देखो टुक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई,
अनलेस इफ नॉट का काम करता है, तो ये कंडीशनल हो गया। सेकंड फॉर्म जो यूज होती है, ये यूज होती है इमेजिनेटिव कंडीशंस में, जब इमेजिनेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे इमेजिनेशन वाली तो सेंस नहीं आ रही, गवर्नमेंट तो एक्शन ले सकती है ना, अनलाइकली इवेंट तो नहीं है ये। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो ऑप्शन है, ये थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है, इसको एक बार छोड़ के चलते हैं। अगला देखते हैं, द गवर्नमेंट अनलेस एंड अंटिल टेक्स एट वंस एन एक्शन ऑन बेगर्स, द सोसाइटी इज ट्रबल्ड इलोट। कह रहे हैं गवर्नमेंट अनलेस एंड अंटिल, हर हाल में जब तक, एट वंस और तुरंत ले लो एक्शन ऑन बेगर्स, द सोसाइटी इज ट्रबल्ड इलोट। पता नहीं, थोड़ी सी अजीब सी सेंस दे रहा है, कोई बात नहीं, अगले ऑप्शन देखते हैं। पहले, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स इमीडिएट एक्शन ऑन बेगर्स, कह रहा है जब तक गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन नहीं लेती, प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज कर रहा है, इफ नॉट में फर्स्ट कंडीशन हो गया, द सोसाइटी विल बी पुट टू डिफिकल्टीज। पुट टू का मतलब होता है काम, जैसे ही पुट मी टू वर्क, तो उसने मुझे काम पे लगा दिया, तो द सोसाइटी विल बी पुट टू डिफिकल्टीज मतलब हो गया सोसाइटी में डिफिकल्टीज आती रहेंगी। ये ऑप्शन थोड़ा सा मुझे जच रहा है, बाकी और देखते हैं। लेकिन पहले, इफ द इमीडिएट एक्शन इज नॉट टुक, इज नॉट टेकन, टुक नहीं हो सकता, इसके बाद या तो वी वन प्लस आई एन जी, इज एम आर, वॉज वर, इनके बाद या तो वी वन प्लस आई एन जी या फिर वी थ्री, टुक नहीं हो सकता, टेकन। अनलेस द गवर्नमेंट कैन टेक, अनलेस, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, इफ नॉट के बाद मोरल यूज नहीं होता। अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स, ये ऑप्शन भी थोड़ा सा गलत है, तो फिफ्थ ऑप्शन भी गया। फर्स्ट सेकंड में भी प्रॉब्लम थी ही, आंसर इज थर्ड ऑप्शन। यार थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की चीज़ें हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। यस, ये जो 17th क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि हाँ एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये चीज़ भी क्लासेस के अंदर डिस्कस हो चुकी है। देखो फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं सो टेरिबल ए डिजीज ब्रोक आउट दैट, सो टेरिबल ए डिजीज ब्रोक आउट, ब्रोक आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, फैलना, ठीक है ना। सो टेरिबल ए डिजीज ब्रोक आउट दैट वेरी फ्यू पीपल सर्वाइव्ड इट, सो टेरिबल ए डिजीज ब्रोक आउट दैट वेरी फ्यू पीपल सर्वाइव्ड इट, सो टेरिबल ए डिजीज। देखो सेंटेंस ना पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सो टेरिबल ए डिजीज, देखो सो के बाद जनरली क्या होता है, कोई भी अगर एडवर्ब होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई एम ए बॉय, ए जो आया बॉय के लिए यूज हुआ, आई एम ए बॉय में ए किसके लिए यूज हुआ, बॉय के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस में बोलूं आई एम ए गुड बॉय, गुड यूज हुआ बॉय के लिए, ए भी यूज हुआ बॉय के लिए, लेकिन ए जो है एडजेक्टिव से पहले आ गया, गुड एडजेक्टिव हो गया। अब मैं बोलूं आई एम ए वेरी गुड बॉय, मैंने बोला आई एम ए वेरी गुड बॉय, अब इसके अंदर क्या हुआ, ए जो है वेरी से पहले आया, लेकिन वेरी जो है ये क्या हो गया, ये एक एडवर्ब हो गया। तो जनरली क्या होता है, सेंटेंसेस के अंदर आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, लेकिन अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लग जाए तो एडजेक्टिव से पहले आ जाता है, और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब लग जाए तो उससे पहले आ जाता है। लेकिन सो एक ऐसी एडवर्ब है जिसके केस में आर्टिकल जो है नाउन से पहले आता है। देखो सो जो है इस क्वेश्चन के अंदर, सो एक एडवर्ब थी, टेरिबल एक एडजेक्टिव था, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, हमेशा यही स्ट्रक्चर फॉलो करता है सो। तो सो टेरिबल ए डिजीज वॉज ओके ब्रोक आउट, कह रहा इतनी टेरिबल एक डिजीज ब्रोक आउट हुई, फैली, कि वेरी फ्यू पीपल सर्वाइव इट, बहुत ही कम पीपल थे जिन्होंने इसको सर्वाइव किया जो बच सके। ठीक है, अगले ऑप्शंस और देख लेते हैं। बाकी द टेरिबल डिजीज ब्रोक ए वेरी फ्यू ऑफ द पीपल, कह रहा द टेरिबल डिजीज ब्रोक ए वेरी फ्यू ऑफ द पीपल, मतलब टेरिबल डिजीज ने तोड़ दिया, ब्रोक का मतलब तोड़ा, तोड़ा, और ए वेरी फ्यू, ए वेरी फ्यू नहीं होता, जब भी फ्यू के साथ वेरी लग जाए ना तो इसके साथ ए और द का सीन खत्म हो जाता है, जो होता है ना फ्यू, फ्यू और द फ्यू, अगर इनके साथ लग जाए ना वेरी, तो इसमें वेरी के साथ ए और द का चक्कर बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ए का तो वैसे ही सीन नहीं आना था, और फिर कह रहा है फिर कुछ पीपल को तोड़ा एंड अदर सर्वाइव, और दूसरे बच गए, कुछ पीपल को तोड़ दिया, तोड़ा पीपल को तोड़ेगी क्या बीमारी, ठीक है। द डिजीज दैट वॉज टेरिबल ब्रोक आउट, कह
कह रहे डिजीज जो टेरिबल थी वो ब्रोकआउट हुई एंड ए लेस नंबर ऑफ पीपल सर्वाइव। थोड़ा सा सेंस भी पेचीदा सी लग रही है। अगला क्वेश्चन हो देखो, ए मोर नंबर ऑफ पीपल, मोर किससे किससे आप कंपेयर कर रहे हो, ए मोर नंबर ऑफ पीपल सर्वाइव डाइड इन स्पाइट ऑफ द टेरिबल डिजीज, और टेरिबल डिजीज के बावजूद बहुत ज्यादा लोग बच गए, दैट ब्रोक आउट ना, अजीब सी सेंस है। द डिजीज वॉज सच ए टेरिबल वन दैट पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। कह रहे डिजीज इतनी टेरिबल थी कि लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी सर्वाइव करने में। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, कह रहे हैं मोर गुड वर्क कांट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैन हु वर ग्रेट बोस्टर्स। बोस्टर होते हैं डिंगे हाँकने वाले। कह रहे हैं मोर गुड वर्क, ज़्यादा गुड वर्क, ज़्यादा अच्छा काम कांट बी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता फ्रॉम मैन हु वर ग्रेट, मतलब अच्छा जो डींगे हाँकने वाले होते हैं उनसे कुछ अच्छा काम वो एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? कुछ भी नहीं कर सकते यार, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी थोड़ा सा अजीब सा है। अगला देख रहे हैं, ए लिटल गुड वर्क कांट बी एक्सपेक्टेड। ए लिटल मतलब होता है थोड़ा बहुत अच्छा काम एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता फ्रॉम द मैन हु हैज़ ग्रेट बोस्टर्स। अच्छा उनसे नहीं जिनके पास ग्रेट बोस्टर्स हैं, ये तो यार वैसे ही जो ग्रेट बोस्टर्स हैं खुद हैं, ना कि जिनके पास हैं, ये भी नहीं। अगला देखो, लिटल गुड वर्क कैन बी एक्सपेक्टेड, लिटल का मतलब होता है ना के बराबर। लिटल गुड वर्क कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैन हु आर ग्रेट बोस्टर्स। लिटल ना के बराबर अच्छा काम उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो डिंगे वाले डिंगे हाँकने वाले, जो जो डिंगे ही हाँक रहा है, झूठ पहले ही बोल रहा है, तो ऐसे बंदे से आप अच्छी चीज़ तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। शायद ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगला देखते हैं। ए फ्यू गुड वर्क, देखो वर्क जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, और फ्यू जो यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे फ्यू फ्रेंड्स होता है, लेकिन क्या फ्यू वाटर हो सकता है, फ्यू मिल्क हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसीलिए फ्यू जो है वर्क के साथ भी यूज़ नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, मैन हु आर ग्रेट बोस्टर्स आर नॉट द वंस टू प्रोड्यूस मोर गुड वर्क। कह रहे मैन हु आर ग्रेट बोस्टर्स, कह रहे वो लोग जो बड़े बड़े बोस्टर्स हैं, आर नॉट द वंस, वो नहीं है टू प्रोड्यूस मोर मोर गुड वर्क की क्या जरूरत है, आर नॉट द वंस टू प्रोड्यूस गुड वर्क। यहाँ पे ठीक है, समझ में भी आता। तो फिफ्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है, तो आंसर जो हमारा बनता है वो बनता है थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पीपल हु आर रेजिलियंट, रेजिलियंट वर्ड जो होता है ना इसका मतलब होता है स्ट्रोंग। पीपल हु आर रेजिलियंट, हु आर रेजिलियंट एक्सेप्ट रियलिटी द वे इट कम्स। पीपल हु आर रेजिलियंट एक्सेप्ट रियलिटी द वे इट कम्स, दे फर्मली बिलीव दैट लाइफ हैज़ अ मीनिंग एंड इट इज दीज पीपल हु हैव एन अनकैनी एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज। कह रहे पीपल जो स्ट्रोंग होते हैं वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं जैसे ये आती है, दे फर्मली बिलीव, वो इसमें पक्का विश्वास रखते हैं कि लाइफ हैज़ अ मीनिंग, कि लाइफ का एक मीनिंग है, एंड इट इज़ दीज पीपल हु हैव एन अनकैनी एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज। ठीक है, कह रहा कि ये वो पीपल होते हैं जिनमें एक ना अनकैनी एबिलिटी होती है टू इम्प्रोवाइज। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को ठीक लगा, बाकी एक बारी अगले वाले ऑप्शंस और देखते हैं। रेजिलेंट पीपल एक्सेप्ट रियलिटी, रेजिलेंट पीपल एक्सेप्ट रियलिटी, बिलीव दैट लाइफ इज मीनिंगफुल, रियलिटी के बाद कॉमा होना चाहिए, वो ऊपर वाले में भी चाहिए था, तो ठीक है कोई बात नहीं। रेजिलेंट पीपल एक्सेप्ट रियलिटी, बिलीव दैट लाइफ इज मीनिंगफुल एंड हैव एन अनकैनी एबिलिटी टू इम्प्रोमाइज, ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब देखो, लेकिन फिर ध्यान से देखो, ऊपर इसने कहा था कंसाइज मैनर में कौन सा लिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड में तो कंसाइज सेकंड लग रहा है, सेम चीज़ें सारी इसके अंदर भी लिखी हैं। अनकैनी जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, इनके अंदर ना स्ट्रेंज एबिलिटी होती है इंप्रूव करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन और देखते हैं। रेजिलिएंट पीपल आर दोज हु एक्सेप्ट रियलिटी, फर्मली बिलीव दैट लाइफ इज मीनिंगफुल एंड दीज पीपल हैव एन अनकैनी एबिलिटी टू इम्प्रूव वाइज। ऑप्शन तो ये भी ठीक लग रहा है, आर दोज हु एक्सेप्ट रियलिटी, फर्मली बिलीव
दैट लाइफ इज मीनिंगफुल एंड दीज पीपल हैव एन अनकैनी एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज, ये भी ठीक है, लेकिन वही तीनों में देखा जाए तो सेकेंड छोटा है, हम तो उस पर जाएंगे फिर। लेकिन अगला ऑप्शन और देखो पहले भी, रेजिलेंट पीपल बिसाइड्स एक्सेप्ट रियलिटी फर्मली बिलीव। रेजिलेंट पीपल बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, रेजिलेंट पीपल बिसाइड्स एक्सेप्ट रियलिटी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए एक्सेप्टिंग रियलिटी। बिसाइड्स जो एक प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन के बाद वी वन प्लस आई एन जी आता है, इसमें तो एरर हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। रेजिलेंट पीपल आर दीज हु, अब पहली चीज हु के पहले कभी भी दीज नहीं आता, हु से पहले हमेशा दोज आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दीज नहीं चाहिए था, दोज चाहिए था, तो ये भी प्रॉब्लम हो गई। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है सेकंड। आगे देखो अगले वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, ओड मैन आउट करना है। अब देखो जो ओड मैन आउट होता है ना, ये क्वेश्चंस ना, मतलब अगर तो डायरेक्ट ओड मैन आउट में कुछ दिख रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज ना ये क्वेश्चंस मैं आपको कहूँगा कि ये जनरली ना एग्जाम में छोड़ने लायक होते हैं। छोड़ने लायक इसलिए होते हैं क्योंकि ना इनमें ना ओड मैन आउट में हर एक बंदे की अपनी थिंकिंग है, कई बारी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आंसर दो हो सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, कह रहे हैं वंदे मातरम वॉज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कह रहे वंदे मातरम जो है इंस्पिरेशन का सोर्स था उन पीपल के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, ठीक है। अगला ऑप्शन है, कह रहे द सारनाथ लायन ऑफ अशोका इज प्रिजर्व्ड इन द सारनाथ म्यूजियम। सारनाथ म्यूजियम में सारनाथ लायन ऑफ अशोका रखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन, पहले में वंदे मातरम था, दूसरे में सारनाथ लायन आया, तीसरे में रविंद्रनाथ टैगोर जनमन गण वॉज अडोप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जनगण मन की बात आ रही है। द इंडियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन साका एरा विद चैत्रा एज द फर्स्ट मंथ एंड ए नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज। लाइक द टावर ऑफ पीसा इवन कुतुब मीनार इज लीनिंग से एक्सपर्ट्स। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट के अंदर हमें ओड मैन आउट चूज करना है, मतलब कि जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात ना कर रहा हो, जो अलग ही चल रहा हो। पहले में वंदे मातरम की बात की, थर्ड में कहा जनगण मन, ये दोनों तो बिल्कुल एक साथ हो गए। अब यूं तो सारी कोई ना कोई मतलब ऐसी ही बातें कर रहा है, जैसे सारनाथ लायन हो गया, थर्ड में इंडियन कैलेंडर, फोर्थ में इंडियन कैलेंडर आ गया, फिफ्थ में आ गया कुतुब मीनार, सारी इंडिया की चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो सेकंड ऑप्शन है सारनाथ लायन ऑफ अशोका, ये ना म्यूजियम में रखी हुई चीज़ है जो अभी भी मतलब काइंड ऑफ प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन बाकी जो हैं जनगण मन, इंडियन कैलेंडर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली रिलेटेड टू आर फीलिंग्स हो गई, मतलब इनका जो है ना जनरल रिलेशन यूँ नहीं है कि इसको उठा के आप कहीं पे रख दो, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वही आंसर बनता है, लेकिन कहने में ना आंसर मैं फिफ्थ को भी बना सकता हूँ, क्योंकि ना फिफ्थ के अंदर क्या है, कुतुब मीनार एक बिल्डिंग है, बाकी जो हैं सारी की सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो मैं फिफ्थ को भी आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है, और आंसर भी जो भी आंसर दिया जाता है वो हमेशा डाउटफुल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैडी एंड कोकोनट आर द फूड एंड कैश क्रॉप्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कह रहे पैडी और कोकोनट जो हैं वहाँ के फूड हैं और कैश क्रॉप्स हैं अंडमान और निकोबार की। दादर नगर हवेली हैज़ नो मेजर और मीडियम इरीगेशन पावर प्रोजेक्ट्स। भाई वहाँ पे ना दादर नगर हवेली में कोई भी मेजर और मीडियम इरीगेशन पावर प्रोजेक्ट नहीं है। इन यूपी शुगर केन इज़ अ मेजर कैश क्रॉप, यूपी के अंदर शुगर केन मेजर कैश क्रॉप है, शुगर केन गन्ना। कोकोनट इज़ द ओनली मेजर क्रॉप ऑफ लक्षद्वीप, मेजर क्रॉप जो है लक्षद्वीप की वो कोकोनट है। हिंदी पंजाबी एंड उर्दू आर द प्रिंसिपल लैंग्वेजेज ऑफ दिल्ली। देखो इस क्वेश्चन को आप आंसर करना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो साफ दिख रहा है, देखो फिफ्थ ऑप्शन के अंदर लैंग्वेजेस की बात की, और बाकी जो चारों चीज़ें हैं ना वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात चल रही है। फिफ्थ ऑप्शन जो है दैट इज ओड वन आउट, उसको हमें आउट करना है। अगला देखो, वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, लॉजिकल क्वेश्चन था, अगेन ऐसा क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है। वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स
ऑफ अमेरिका, जिम्बाब्वेज मेन सेंटर ऑफ बिजनेस इज इन हरारे, देखो वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स की, जिम्बाब्वे का मेन सेंटर ऑफ बिजनेस है हरारे में, लुसाका इज द कैपिटल ऑफ जाम्बिया, जायरे हैज़ किनशासार एज कैपिटल, कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट एंड इज़ द मेन बिजनेस सेंटर। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो पहला तीसरा चौथा पांचवा सबके अंदर ना कैपिटल लिखा हुआ है, सेकंड के अंदर कैपिटल लिखा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन लेकिन हरारे जो है वो भी जिम्बाब्वे की कैपिटल है। इस क्वेश्चन को देख के अगर आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी की नॉलेज कम है तो आप इस क्वेश्चन का गलत आंसर कर सकते थे सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगेन ज्योग्राफी की नॉलेज काम आएगी, जो वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका है, बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो इसीलिए आंसर जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है माय डॉटर वांट्स टू ट्रैवल बाय फ्लाइट, माय सन वांट्स टू ड्राइव अ कार, माय नीस एंजॉयज राइडिंग हर बाइसिकल, आई वेंट टू विजयवाड़ा बाय ट्रेन, आई हेट टू ट्रैवल बाय बस। हालांकि सबके अंदर किसी न किसी बात है, फ्लाइट, कार, ट्राईसाइकिल, ट्रेन, बस, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, माय डॉटर वांट्स टू ट्रैवल चाहती है, माय सन वांट्स टू ड्राइव वो भी चाहता है, माय नीस एंजॉयज वो भी वो प्रेफर करती है, चाहत है उसकी, आई और फिफ्थ ऑप्शन आई हेट टू ट्रैवल बाय बस, वो भी मेरी एक तरह से नफरत प्रेफरेंसेस हैं, और फोर्थ को जो ऑप्शन है वो है आई वेंट टू विजयवाड़ा बाय ट्रेन, वो तो मैं गया था, मेरी चाहत थी या नहीं उसका तो कोई रिलेशन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, माय आंट प्रेफर्स टू हैव अ प्लेट ऑफ फ्राइड राइस, ठीक है, माय फादर ब्रॉट ए बैग ऑफ बासमती राइस, ओके, माय कुक प्रिपेयर्ड पीपर राइस फॉर ब्रेकफास्ट, स्मॉल चिल्ड्रन आर जनरली गिवन राइस एंड कर्ड्स, वी एट स्टिकी राइस इन थाईलैंड रेस्टोरेंट एंड रिलिश्ड इट, रिलिश का मतलब होता है एंजॉय करना। अब इसको भी इजीली आंसर किया जा सकता था, देखो फर्स्ट में फ्राइड राइस हैं, दूसरे में बासमती राइस लेकिन वो कच्चे हैं, तीसरे में पीपर राइस बने हुए हैं, नेक्स्ट में भी राइस बने हुए हैं और नेक्स्ट में भी राइस बने हुए हैं, राइस की क्वालिटीज़ हैं कुक्ड राइस हैं लेकिन सेकंड जो है वो कच्चे राइस हैं, तो जो आंसर जो बनेगा ये वही बनेगा रॉ आइस वाला सेकेंड आंसर। अगला देखो, सम पीपल इंजॉय वॉचिंग क्रिकेट, Others take pride in playing chess. I love to play football. My friends struggled hard to get selected in the hockey team. Children love to play outdoor games. ठीक है, देखो सारे के सारे इसके अंदर भी देखो अब दो आंसर बनते हैं, देखो कैसे, पहला है वॉचिंग क्रिकेट, दूसरा है चेस, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है हॉकी, पांचवा है आउटडोर गेम्स। इनके अंदर ना चेस एक इंडोर गेम है, बाकी सारी आउटडोर हैं, तो मैं सेकंड को भी आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक और देखो, पहला है वॉचिंग क्रिकेट, दूसरा है प्लेइंग, तीसरा फिर प्लेइंग, चौथा फिर काइंड ऑफ प्लेइंग एंड पांचवा फिर काइंड ऑफ प्लेइंग, एक पहला है जिसमें वॉचिंग की बात है, तो ये भी आंसर हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप मतलब एग्ज़ाम में छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में करना क्या है, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन बिनिथ ईच सेंटेंस, फाइव डिफरेंट वेज ऑफ, अच्छा फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, हमें बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, ठीक है। कॉन्ट्रारी टू देयर यूजुअल टेंडेंसी, कॉन्ट्रारी के बाद टू यूज होता है, ठीक है। देखो फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन ना दो टाइप से आते हैं, जैसे इसमें हुआ, एक तो होता है कि नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन दिया होता है कि आपको इम्प्रूव करना ही नहीं अगर आपको ठीक लग रहा है, तो एक होता है कि आपको इम्प्रूव करना ही करना है, यानी कि चेंज करना ही करना है, हो सकता है ठीक हो सामने गिवन जो है लेकिन फिर भी आपको चेंज करना है, ये वही क्वेश्चन थे जिनमें आपको चेंज करना है, यानी कि हो सकता है ऊपर वाला ठीक हो लेकिन आपको क्या करना है उसकी जगह आप और कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हो वो लिखना है। कंट्रारी टू देयर यूजुअल टेंडेंसी इंडियंस आर क्यूइंग अप एट ज्वेलर्स टू सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड एज द प्राइस ऑफ गोल्ड इज एट एन ओल्ड टाइम हाई।
कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी का मतलब होता है ओपोजिट, कह रहा है ओपोजिट टू देयर यूजुअल टेंडेंसी, मतलब जो हम लोग करते हैं ना जनरली इंडियंस क्या करते हैं, गोल्ड बेचते नहीं कभी भी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडियंस आर क्यूइंग अप एट ज्वेलर्स, ज्वेलरी शॉप जो हैं वहाँ पे इंडियंस जो हैं क्यू अप कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं टू सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड, किस लिए, अपना ओल्ड गोल्ड बेचने के लिए, एज द प्राइज ऑफ गोल्ड इज एट एन ओल्ड टाइम हाई, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइज है ना वो ओल्ड टाइम हाई है इस टाइम पे, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, अगेंस्ट देयर विशेज, विशेज की तो बात ही नहीं हो रही, विश है तभी तो बेचने गए, बिक रहा है बढ़िया रेट में तो सब बेच रहे हैं, अपोजिंग ऑल रूल्स, यहाँ पे आई गेस रूल की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। अगला देखो, बाकी अगले ऑप्शन देखते हैं, इंक्लाइंड टू बी डिफरेंट, इंक्लाइंड टू बी डिफरेंट मतलब डिफरेंट होना चाहते हैं लोग, डिफरेंट होना चाह रहे हैं क्या, नहीं भाई ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं। फिर कह रहे हैं डिफरिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल बिहेवियर, लोग डिफर कर रहे हैं अपने नॉर्मल बिहेवियर से, हाँ ये हो सकता है ना, कॉन्ट्रारी टू देयर यूजुअल टेंडेंसी और कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑल एक्सपेक्टेशन, सारी एक्सपेक्टेशन को कॉन्ट्राडिक्ट ना, फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है कि कॉन्ट्रारी टू देयर यूजुअल टेंडेंसी मतलब डिफरिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल बिहेवियर, मतलब काइंड ऑफ हमने क्या करना था ऊपर वाले सेंटेंस में जो कॉन्ट्रारी टू देयर यूजुअल टेंडेंसी था, अंडरलाइंड पार्ट जो था उसका मीनिंग निकालना था, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। द पार्टी हैज़ मेड ए वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, वर्च्यू होता है गुण, नेसेसिटी होती है जरूरत, द पार्टी हैज़ मेड ए वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, वैसे मैं आपको वर्च्यू ऑफ मेड ए वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी जो है ना एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग हमें पता हो तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, मेड अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी का मतलब होता है तो जैसे जैसे ना मैं कोई चीज़ करना नहीं चाहता लेकिन करना मेरी मजबूरी है कि मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे केस में अब मेरी मजबूरी है मुझे तो पता है और फिर मैं दिखावा करूँ कि नहीं भाई मैं तो करना ही चाहता था, उसको बोलते हैं मेड ए वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, मतलब हो जाता है टू प्रिटेंड वन इज फ्रीली एंड हैप्पीली डूइंग समथिंग, टू प्रिटेंड वन इज फ्रीली एंड हैप्पीली डूइंग समथिंग जबकि दैट थिंग हैज़ बीन फोर्स्ड टू डू, जबकि वो चीज़ क्या की गई है, फोर्स की गई है करने के लिए, ठीक है। तो बिकम वर्चुअस तो होता है बहुत ज़्यादा गुणी हो जाना, मेड अदर्स वर्चुअस दूसरों को गुणी बनाना, टू फेस ऑल ऑब्लिगेशन सारी की सारी ड्यूटीज़ को फेस करना, नो ऑप्शन बट टू एक्ट, ये थोड़ा सा वो था कन्फ्यूजिंग ऑप्शन था कि वो कोई और ऑप्शन नहीं है बट टू एक्ट, डिराइव्ड सम क्रेडिट फ्रॉम एन अनवेलकम ऑब्लिगेशन, मैंने अभी क्या बताया कि ऑब्लिगेशन मेड ए वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी का मतलब होता है कि आप करना नहीं चाहते लेकिन करनी पड़ रही है, तो सम क्रेडिट फ्रॉम एन अनवेलकम ऑब्लिगेशन, अनवेलकम ऑब्लिगेशन जो है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फिफ्थ ऑप्शन आंसर था, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि आप छोड़ सकते थे अगर आपको मीनिंग ना पता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन आवर रिग्रेसिव टैक्स रिजाइम, देखो रिग्रेसिव टैक्स एक होती है प्रोग्रेसिव टैक्स रिजाइम, एक होती है रिग्रेसिव टैक्स, हमारे जहाँ जो चलती है वो प्रोग्रेसिव चलती है, प्रोग्रेसिव में क्या होता है, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जिसकी कम इनकम उसको कम टैक्स, जिसकी ज़्यादा इनकम उसको ज़्यादा टैक्स, रिग्रेसिव में होता है जिसकी कम इनकम उसको ज़्यादा टैक्स, जिसकी ज़्यादा इनकम उसको कम टैक्स। इन आवर रिग्रेसिव टैक्स रिजाइम इट इज़ ओनली द मेगा रिच हु मैनेज, कह रहे मेगा रिच जो बड़े 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 रिच होते हैं लोग, हु मैनेज टू कीप द गवर्नमेंट्स हैंड्स ऑफ देयर मनी, हैंड्स ऑफ का मतलब हो जाता है किसी के हाथ मतलब दूर रखना, मतलब गवर्नमेंट ना उनकी मनी पे पैसा पैसे पे हाथ नहीं रख पाती, क्यों नहीं रख पाती, वो टैक्स उनको देने की जरूरत ही नहीं होती, टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम रोबिंग, रोबिंग का मतलब होता है लूटना, तो गवर्नमेंट यार लूटेगी नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, टू इवेड टैक्स, इवेड का मतलब होता है टैक्स को बचाना, छोड़ देना, टैक्स ना भरना शायद हो सकता है, टू होल्ड मनी, होल्ड का मतलब होता है मनी को इकट्ठा करना, टू अमास गवर्नमेंट्स मनी, वो लोग गवर्नमेंट की मनी को इकट्ठा कर लेते हैं, टू प्रिवेंट प्राइवेटाइजेशन, नहीं जो सेकंड ऑप्शन है टू इवेड टैक्स, देखो बाकी ऑप्शन थोड़ा सा लॉजिकल भी चलो ना, थोड़ा सा सेंटेंस को ऊपर समझ के चलते तब भी आप इसको इजीली आंसर कर सकते थे, सेकंड इज द राइट आंसर। द सेकेंड हैंड कार मार्केट इज बूमिंग, ओइंग एन ओल्ड कार इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंफ्राडिक, कह रहे हैं सेकेंड हैंड कार मार्केट जो है ना वो बूम हो रही है,
ओइंग एन ओल्ड कार, मतलब एक पुरानी कार रखना, इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंफ्राडिग। देखो वैसे तो इंफ्राडिग का अगर मीनिंग पता हो तब आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज सेंस से भी जाओ नहीं पता हमें मीनिंग, कोई बात नहीं मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आप यूं मान के चलो कि नहीं पता हमें मीनिंग। ऑप्शंस पढ़ते हैं हम, नॉट कंसिडर टू बी डी मीनिंग, डी मीनिंग, डी मीन, मीन माने मतलब, डी माने नेगेटिव, डी मीनिंग का मतलब होता है इज्जत खोना। कह रहा है कि ओइंग एन ओल्ड कार अब ऐसा नहीं माना जाता कि ये आपकी इज्जत पे कोई धब्बा है, शायद थोड़ा सा मेरे को ऊपर वाली की सेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगले ऑप्शंस देखते हैं, लेकिन पहले नॉट थॉट ऑफ एनी मोर, अब लोग सोचते ही नहीं सेकेंड हैंड कार लेने की बजाय लेने की, अरे सोचते नहीं तो बूम कैसे होगी, बूम का तो मतलब होता है बढ़ रही है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन कह रहा है बिलो वंस डिग्निटी, आदमी की डिग्निटी इज्जत स्वाभिमान से नीचे की बात है, तो यार स्वाभिमान से नीचे होगा तो बूम कैसे करेगी मार्केट, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन लाइक डिगिंग वंस ओन ग्रेन, कह रहे हैं भाई पुरानी कार लेने का मतलब होता है अपनी कब्र खुद खोदना, अरे अपनी कब्र खुद क्यों खोद रहे हो, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। नॉट अबोव वंस थिंकिंग, आदमी की सोच से ऊपर नहीं है। ऑप्शंस के थ्रू भी अगर जाओ ना तो फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज़ द राइट आंसर। ये जो इंफ्राडिग का मतलब होता है ना, इसका मतलब ही होता है डी मीनिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी डिग्निटी को, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। तो आंसर इज नॉट कंसीडर्ड टू बी डी मीनिंग। अगला क्वेश्चन देखो, इवन एज द, तो सेकेंड 29th का फर्स्ट आंसर हो गया, इवन एज द आईटी इंडस्ट्री इज गेटिंग कुडोस, कुडोस वर्ड क्लास में किया हुआ है, कुडोस का मतलब होता है प्रेज। इवन एज द आईटी इंडस्ट्री इज गेटिंग कुडोस, बीइंग लो इन कॉस्ट एंड हाई इन क्वालिटी, द बिग इंडियन प्लेयर्स आर ट्राइंग टू फिगर आउट वेज टू सस्टेन ग्रोथ रेट्स। कह रहे इवन एज द आईटी इंडस्ट्री इज गेटिंग कुडोस, कह रहे हालांकि आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो उनको प्रेज मिल रही है, बीइंग लो इन कॉस्ट, क्यों मिल रही है, क्योंकि कॉस्ट कम है उसमें और क्वालिटी हाई है, लेकिन फिर भी द बिग इंडियन प्लेयर्स आर ट्राइंग टू फिगर आउट वेज टू सस्टेन ग्रोथ रेट्स। अब जो बिग इंडियन प्लेयर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि कैसे इस ग्रोथ रेट को बनाए रखा जाए। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, एज द आईटी इंडस्ट्री इज अ क्रिटिसाइज्ड, ए वैसे ही नहीं आ सकता है ना, तो क्रिटिसाइज्ड हो नहीं सकता, क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहे हैं। वाइल द आईटी इंडस्ट्री इज बीइंग ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाई भी यही होता है किसी की प्रशंसा, प्रेज बढ़ाना शायद हो सकता है, अगले ऑप्शंस देखते हैं, लेकिन पहले ड्यूरिंग द आईटी इंडस्ट्रीज डेब्यू, डेब्यू तो होता है कोई नया नई चीज़ आना, तो डेब्यू नहीं हो रहा। एज द आईटी इंडस्ट्रीज बाइंग कुडोस, कुडोस का मीनिंग दे रहा है, कह रहा है अफ्रीकन एंटीलोप्स, नहीं भाई ऐसा कुछ खरीद थोड़ी रही है आईटी इंडस्ट्री। इफ द आईटी इंडस्ट्री गेट्स इट्स ड्यू शेयर, जो इसको मिलना चाहिए वो मिले ना भाई, ये भी कोई ऑप्शन नहीं, तो जो ऑप्शन बनता है सेकंड वही राइट आंसर है। देखो अगर आपने अभी तक ध्यान से देखा हो ना, 15-16 क्वेश्चन हमने किए, 15-16 क्वेश्चन में ना 12 क्वेश्चन ऐसे थे, हर सेट में एक क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा था डिफिकल्ट, लेकिन 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजीली किए जा सकते थे। अगले क्वेश्चन और देखते हैं, करना क्या इनमें, करेक्ट फ्रेज फ्रॉम अमंग द चॉइसेस, अच्छा फिलर्स हैं, फिल करने हैं, ये तो फ्रेज लिखना है, पहले वन वर्ड के फिलर आते थे, टू वर्ड्स के फिलर आते थे, अब थोड़े से सेंटेंसेस दे दिए, देख लेते हैं। पहला कह रहा है द गवर्नमेंट्स अप्रूवल टू जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन फॉर कमर्शियल यूज डैश टू द बिलीगर्ड कॉटन फार्मर्स इन इंडिया, द गवर्नमेंट्स अप्रूवल टू जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीटी कॉटन होती है उसके लिए, फॉर कमर्शियल यूज डैश टू द बिलीगर्ड, बिलीगर्ड जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है ट्रबल्ड, ट्रबल में घिरे हुए, कॉटन फार्मर्स ऑफ इंडिया के लिए डैश है। ठीक है, देखते हैं क्या है, द गवर्नमेंट्स अप्रूवल टू द ये हैव कम, देखो सब्जेक्ट जो है ना इसका, सब्जेक्ट है गवर्नमेंट्स अप्रूवल। अब ये जो अप्रूवल नाम की चीज है ये एक सिंगुलर नाउन बनता है, ठीक है ना, अब सिंगुलर है तो इसके साथ हैव तो आ ही नहीं सकता, हैव वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, हैज कम एज ए वर्चुअल बून, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी और बून होता है वरदान, तो कह रहे जो ट्रबल्ड जो है ना उनके लिए एक बून है ये, एक वरदान है ये। ठीक है, शायद हो सकता है, देख लेते हैं बाकी अगले ऑप्शन और देखते हैं, हैड बीन ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू,
बोल्ट फॉर द फ्रॉम द ब्लू जो है ये भी ये होता है भाई कुछ सरप्राइजिंग। यस तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है समथिंग सरप्राइजिंग, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड। तो इट हैड बीन ए, और पहले थोड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल तो अभी दिया है, तो ये भी ऑप्शन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इज ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है समथिंग डिफिकल्ट, तो ये ऑप्शन भी थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। अगला और देखते हैं, हैज कम एज ए वर्चुअल बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है बून और एक होता है बेन, बून एंड बेन। बून होता है वरदान, बेन होता है अभिशाप, तो अभिशाप की सेंस यहाँ पे नहीं आ सकती। तो आंसर जो बनता है वही बनता है सेकेंड ऑप्शन। अगला देखते हैं, ओवर द लास्ट डेकेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड द हाई सैलरीज कमांडेड बाय द IIM ग्रेजुएट्स हैव डैश। कह रहे पिछले एक डेकेड में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड द हाई सैलरीज जो कमांड कर रहे हैं, जो IIM ग्रेजुएट्स ले रहे हैं, उन्होंने हैव इंक्रीज्ड एनरोलमेंट इन स्कूल्स। ग्रेजुएट्स IIM के ग्रेजुएट्स को अच्छी सैलरी मिल रही है, तो एनरोलमेंट स्कूल्स में बढ़ेगा ना भाई। लेड टू इनडिफरेंस टुवार्ड्स स्टडीज, लेड टू इनडिफरेंस टुवार्ड्स स्टडीज। इनडिफरेंस होता है कि उदासीनता, न्यूट्रलिटी, तो लोग उदासीन हो रहे हैं स्टडीज को लेके। नहीं जी, लेड टू अनरेस्ट अमंग द यूथ। अच्छा, यूथ जो है ना परेशान हो गए हैं कि भैया ये हम वालों को मिल रही है। नहीं भाई। अगला देखो, इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ बी स्कूल्स। बी स्कूल कौन से होते हैं? बी स्कूल होते हैं ये जो आपके बिजनेस स्कूल, जो MBA वगैरह करवाते हैं, BBA वगैरह करवाते हैं। तो IIM वालों की सैलरी अच्छी है, उसके कारण बी स्कूल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का थोड़ा सा सीन यहाँ पे ख़त्म सा हो रहा है। कोई बात नहीं, अगला और देखते हैं, सीन प्राइवेट बी स्कूल्स मशरूमिंग। ये दोनों ऑप्शन जो हैं थोड़े से क्लोज ऑप्शंस थे, ठीक है। कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण और हाई सैलरीज के कारण बी स्कूल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, या बी स्कूल्स जो हैं फल फूल रहे हैं, प्राइवेट बी स्कूल्स जो हैं फल फूल रहे हैं। तो पॉपुलैरिटी थोड़ा सा मतलब बढ़ने का चांस कम है। जो चीज़ है, जो राइट आंसर बनता है वो यही बनता है कि प्राइवेट बी स्कूल्स जो है ना वो फल फूल रहे हैं, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा लोगों को अच्छी सैलरी मिल रही है, IIMs के ग्रेजुएट्स को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, तो बी स्कूल्स की ठीक है पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, गलत नहीं है ये ऑप्शन। लेकिन अगर दोनों में से देखा जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण जो बी स्कूल्स हैं और सैलरी बढ़ने के कारण जो बी स्कूल्स हैं, प्राइवेट बी स्कूल्स हैं, वो देश के अंदर क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो फिफ्थ इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, द टिकेट डिकेट लॉन्ग इंसर्जेंसी इन कश्मीर। इंसर्जेंसी होती है घुसपैठ। तो कह रहे जो एक मतलब इतने डिकेट्स लॉन्ग से, जो दशकों से चलती आ रही है इंसर्जेंसी कश्मीर के अंदर, वो इज टेकिंग अ ग्रीवियस मेंटल टोल ऑन इट्स पीपल। देखो, टेक ए टोल जो एक फ्रेज होता है, टेक ए टोल इडियम होता है, जिसका मीनिंग होता है टू हार्म समवन। तो कह रहे इज टेकिंग अ ग्रीवियस, ग्रीवियस का मतलब होता है सीरियस। तो कह रहे हैं इज टेकिंग अ सीरियस मेंटल टोल, हार्म कर रही है। किसको हार्म कर रही है? लोगों को मेंटली हार्म कर रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी अगले देखते हैं। हैज़ ब्रॉट प्रोस्पेरिटी। वाह, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो इनसर्जेंसी घुसपैठ के कारण प्रोस्पेरिटी आ रही है, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, तो घुसपैठ के कारण समृद्धि आएगी, है ना। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखो, विल मेक द पीपल एजुकेटेड। हाँ, अगर घुसपैठ होगा तो लोग एजुकेटेड हो जाएंगे। विल बूस्ट टूरिज्म। हाँ, घुसपैठ हो रही है तो कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रही होगी ना भाई, हम लोग जाएंगे मरने के लिए वहाँ पे, अच्छा लगेगा सबको मरना। फिर विल इवॉल्व ए पीसफुल सोल्यूशन, पीसफुल सोल्यूशन निकलेगा। देखो सारे ऑप्शन ऐसे हैं, मतलब आप अगर ऑप्शंस के थ्रू भी चले जाओ ना, इंसर्जेंसी का मीनिंग और ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ, लास्ट के चारों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, मैनी चिल्ड्रन हु बेग एट ट्रैफिक सिग्नल्स आर विक्टिम्स ऑफ ड्रॉट एंड हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम देयर विलेजेस टू बिग सिटीज विद देयर पेरेंट्स हु डैश। मैनी चिल्ड्रन हु बेग एट ट्रैफिक सिग्नल्स, कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे भीख मांग रहे होते हैं, आर विक्टिम्स ऑफ ड्रॉट, सूखे के पीड़ित हैं,
एंड हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम देयर विलेजेस टू बिग सिटीज़, और विलेजेस से बड़ी सिटीज़ में आ जाते हैं विद देयर पेरेंट्स, उन अपने पेरेंट्स के साथ. हु, अब उनके पेरेंट्स कौन हैं, हु आर स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल. हाँ बहुत बढ़िया, अगर पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे इन्फ्लुएंशियल होंगे तो वो भीख मंगवाएंगे अपने बच्चों से. कह रहे हु इन्जॉय ऑल द कम्फर्ट्स, कह रहे जिनके पास सारे कम्फर्ट्स हैं, अगर पेरेंट्स के पास कम्फर्ट्स होंगे तो बच्चों को देंगे ना, बच्चों से भीख थोड़ी मंगवाएंगे. फिर कह रहे वर्क एज डेली लेबरर्स, वो डेली मतलब डेली लेबर करते हैं, हाँ डेली भीख मांगते हैं, डेली खाते हैं, शायद हो सकता है, लेकिन अगले ऑप्शन देखते हैं. कह रहे आर पोइज्ड एंड वेल क्वाइफर्ड. पोइज जो वर्ड होता है ना, पोइज का मतलब होता है काम, कूल हेडेड, कूल ब्लडेड, ठीक है. तो दे आर पोइज्ड, बिल्कुल काम है, एंड वेल क्वाइफर्ड. क्वाइफर का मतलब, क्वाइफर जो वर्ड होता है ना, क्वाइफ्यूर, इस वर्ड का मतलब होता है हेयर स्टाइल. तो उनका हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया होता है, हेयर स्टाइल बढ़िया है. गरीब आदमी बेचारे भीख मांग रहे हैं. अगला देखो, आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. हाँ, सूखा पड़ गया तो वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया. ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता. तो आंसर बनेगा कौन सा, वर्क एज डेली लेबरर्स. अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है एनिमल स्टडीज द साइंटिफिक कम्युनिटी आर्ग्यूज आर मैंडेटरी फॉर टेस्टिंग द एफिकेसी. कह रहे हैं एनिमल स्टडीज जो हैं, ये बीच में तो फालतू इन्फॉर्मेशन होती है, एनी कॉमास के बीच में, दो कॉमास के बीच में, तो एनिमल स्टडीज आर मैंडेटरी, कह रहा है जरूरी हैं फॉर टेस्टिंग द एफिकेसी एंड डैश. एफिकेसी जो है इसका मतलब होता है एफिशिएंसी, ठीक है. कह रहे हैं एनिमल स्टडीज आर मैंडेटरी, जरूरी हैं फॉर टेस्टिंग द एफिकेसी एंड डैश, ठीक है, एंड मेकिंग देम प्रॉफिटेबल. किसको प्रॉफिटेबल बनाना है पता नहीं. डिटरमाइनिंग सेफ डोसेस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, कह रहे डिटरमाइन करने के लिए सेफ डोसेस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, मेकिंग देम अट्रैक्टिव. अच्छा, मतलब एनिमल स्टडीज इम्पोर्टेंट हैं ताकि उनको, उनकी एफिकेसी को चेक किया जा सके, इफेक्टिवनेस को, और अट्रैक्टिव किया जा सके, उनको अट्रैक्टिव बनाया जा सके पशुओं को. और वैसे भी देम किसके लिए यूज़ हो रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है. यूजबिलिटी अमंग एनिमल्स आर मैंडेटरी फॉर टेस्टिंग द एफिकेसी एंड यूजबिलिटी अमंग एनिमल्स, यूज़ किसको करवाना है एनिमल्स में पता नहीं, ठीक है ना. तो ऑप्शंस के थ्रू जाओ तो सेकंड ऑप्शन ही है भाई, एक तो एफिकेसी चेक करनी है उनकी, और दूसरा डिटरमाइनिंग द सेफ डोसेस. अगर डोज देनी भी है ह्यूमन को, ह्यूमन बीइंग्स को किसी एनिमल की, तो उसके लिए भी वो चीज़ इम्पोर्टेंट है. तो ऑप्शंस के थ्रू अगर चले जाते तो इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था. तो देखो अल्टीमेटली अगर मैं इस क्वेश्चन को भी हटा दूँ तो 12 क्वेश्चन पीछे के और 3 क्वेश्चन यहाँ के, 15 क्वेश्चन बहुत इजीली करेक्ट किए जा सकते थे. और देखो 15 क्वेश्चन करेक्ट, पैसेज की तो मैंने बात ही नहीं की अभी, 15 क्वेश्चन करेक्ट यानी कि 15 नंबर. मान लो 2-3 क्वेश्चन आप गलत भी कर देते, 2-3 नंबर कटवा भी लेते, तब भी 12 नंबर में बहुत इजीली कट ऑफ जो है वो क्लियर की जा सकती है. और ये मैंने आपको मतलब बिल्कुल मतलब मरे से मरे की कंडीशन बताई है. अच्छी कंडीशन तो ये है कि 15-16-17 क्वेश्चन बहुत इजीली करेक्ट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना. तो ऐसे टेस्ट में अगर हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि हम जो है अभी हमारी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं बना पा रहे हैं, हम जो है टेस्ट को उतना अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं, या हम टेस्ट को करते हुए अटेम्प्ट करते हुए उतना अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं. तो देखो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी. तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स.